इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अमीर बनना नहीं चाहता, सफल होना नहीं चाहता? हम में से लगभग सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। क्या सभी लोग अमीर बन जाते हैं? इसका ज़्यादातर जवाब होता है ना, नहीं। तो अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि सिर्फ कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं, अमीर बन पाते हैं? आखिर सफल और असफल लोगों में क्या अंतर है? ऐसे कौन से कारण हैं, कौन सी वजह हैं जो आपको सफल होने से रोकती हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको उन कारणों के बारे में बताऊँगा जो आपको सफल होने से रोकते हैं। यह वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि वो कौन से कारण हैं जो हमको गरीब बनाते हैं और हमें अमीर बनने से रोकते हैं। दोस्तों, अगर संक्षेप में सफल लोगों के बारे में बताना हो तो जो लोग सफल हैं या सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, वे अपना कोई भी कार्य टालते नहीं हैं या कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। सफल लोग कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, वे लगन के पक्के होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, उन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है। वे लोग किसी भी परिस्थिति के लिए या कोई भी समस्या आने पर किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराते, ना ही कोई बहाना बनाते हैं। जबकि असफल लोगों की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि वो बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। असफल लोग अपनी असफलताओं के लिए कभी भी खुद को दोष नहीं देते, वे हमेशा परिस्थितियों को या दूसरे लोगों को दोष देते हैं। ऐसे लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए या फिर अपने मन को बहलाने के लिए एक से एक बढ़कर बहाने गिनाते रहते हैं कि वे असफल क्यों हुए, ताकि दूसरों के सामने यह साबित कर सकें कि उनके सामने ज़्यादा मुश्किलें थीं। दरअसल वे बहाना बनाकर खुद को धोखा ही दे रहे हैं और अपने भविष्य के लिए ऐसी नींव रख रहे हैं कि जो उन्हें कभी सफल नहीं होने देगी। अगर आप असफल नहीं होना चाहते और वाकई में सफल होना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप बहाना बनाना छोड़ दीजिए और यह मानना होगा कि अपनी सफलता या असफलता के लिए हम जिम्मेदार खुद हैं और कोई नहीं। तो दोस्तों, हम आज 10 बहानों के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर ही लोग बनाते हैं, और उन्हें दूर करने के उपाय और एग्जाम्पल भी साथ में बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहला बहाना है जो असफल लोग बनाते हैं कि यह बहुत मुश्किल काम है या ये काम उससे नहीं होगा। कभी कभी हम काम को शुरू किए बिना ही ये मान लेते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, ये काम मुझसे हो ही नहीं सकता। ऐसा कहने से काम और मुश्किल लगने लग जाता है और फिर या तो काम शुरू ही नहीं होता, और अगर शुरू भी हो गया तो पूरा होने से पहले ख़त्म भी हो जाता है। तो दोस्तों, बहाना बनाना छोड़िए और कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, हमेशा कहें कि काम तो बहुत आसान है, इससे तो मैं आसानी से कर लूँगा। फिर मेहनत और लगन के साथ काम को कीजिए और फिर देखिए काम कितना आसान लगने लगता है। दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ को बचपन से ही पोलियो था। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि ये लड़कियाँ जीवन में कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन विल्मा ने सिर्फ चलना ही नहीं, दौड़ने का सपना देख लिया और अपने आप से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनूंगी। और एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त रहने वाली ये लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए सच में ओलंपिक की दौड़ में प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। विल्मा ने पोलियो को बहाना नहीं बनाया और ना ही अपने सपने को मुश्किल बनाया, बल्कि उसने परिस्थितियों से लड़कर नामुमकिन को मुमकिन करके इतिहास बना दिया। दूसरा बहाना होता है दोस्तों कि मैं योग्य नहीं हूँ या मेरे पास योग्यता नहीं है। जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ, वे लोग दरअसल अपने आप से 2 बात कह रहे होते हैं। पहली, या तो वे अपनी योग्यता को बहुत कम आंक रहे हैं। दूसरी, या फिर वो उस क्षेत्र में सफल लोगों की योग्यता को बहुत ज़्यादा आंक रहे हैं। दोस्तों, कभी ये बात मायने नहीं रखती कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है, कितनी योग्यता है, बल्कि हमेशा यह बात मायने रखती है कि आप अपनी बुद्धि योग्यता का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए कभी भी उच्च शिक्षा, डिग्री, डिप्लोमा जरूरी नहीं होता। सफल होने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो है आपके अंदर हुनर, अपनी खूबी की पहचान करके उसे तराशना। तो दोस्तों, योग्यता का बहाना बनाना छोड़ दीजिए और अपने हुनर, अपनी खूबी, अपने अंदर छुपी हुई किसी खास कला या प्रतिभा के गुण को पहचानिए और उसे तराशकर अपने आप को योग्य बनाइए। इसका पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, कार बनाने वाली कंपनी फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड ने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं की थी। उनके पास कोई उच्च शिक्षा या कॉलेज की डिग्री नहीं थी, लेकिन मशीनों में रुचि के कारण उन्होंने अपने दिमाग को मैकेनिकल क्षेत्र में लगाया और आज वो एक कार कंपनी के मालिक बने। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन को बचपन में मंदबुद्धि कहा जाता था, लेकिन वे इसे परेशान नहीं हुए। उनकी रुचि विज्ञान में थी और अपनी इस रुचि की बदौलत उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके दुनिया को बदल कर रख दिया और एक महान वैज्ञानिक बने। दोस्तों, तीसरा बहाना है कि मैं पहले भी असफल हो चुका हूँ या मैं बार बार फेल हो चुका हूँ। दोस्तों, ये बहाना भी लोगों को आगे कोशिश करने से रोकता है। एक दो बार या कई बार असफल होने से लोग यह मान लेते हैं कि वे अब कभी भी सफल नहीं हो सकते और आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आप पहले कभी असफल हुए हैं या बार बार असफल हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी ही कमी है, कहीं ना कहीं आपकी तैयारियों में कमी रही होगी, कहीं ना कहीं आपकी लगन, मेहनत, एकाग्रता या आपके दृढ़ संकल्प में कमी रही होगी। इसलिए दोस्तों, पॉजिटिवनेस के साथ अपनी कमियों का पता लगाएं और उन वजहों का पता लगाएं जिसके कारण आप बार बार असफल हो रहे हैं। फिर उन कमियों और वजहों को दूर करके एक बार फिर पॉजिटिवनेस के साथ पूरी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ दोबारा कोशिश करें और तब तक करते रहें जब तक आप सफल ना हो जाएं। दोस्तों, अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने लगभग 999 बार फेल होने के बाद
बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने शुरुआत के दिनों में लगभग 17 फिल्म फ्लॉप होने के बाद स्टार बने थे। चौथा बहाना है दोस्तों कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, नसीब ही खराब है। दोस्तों यह एक पॉपुलर बहाना है जो अक्सर लोग बनाते हैं। जब लोग किसी काम में फेल हो जाते हैं या वो जो चाहते हैं उन्हें वो नहीं मिल पाता तो वे अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। एग्जाम में फेल हो गए तो मेरी किस्मत ही खराब है, लड़के या लड़की ने छोड़ दिया तो मेरी किस्मत ही खराब है, इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए तो मेरी किस्मत ही खराब है, या बिजनेस में लॉस हो गया तो मेरी किस्मत ही खराब है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि आपके किसी भी क्षेत्र में फेल होने में आपकी किस्मत का हाथ है? मैं ऐसा नहीं सोचता, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। ज़रा सोचो कि अगर इसमें आपकी किस्मत का दोष होता तो आप यहाँ पहुँचते? आप यहाँ तक पहुँचते ही नहीं जहाँ पर आप आज हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते ही नहीं, कोई लड़का या लड़की आपकी ज़िंदगी में आता ही नहीं, आप बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ, झुग्गी झोंपड़ी और जंगलों में बिना कुछ किए, बिना कुछ देखे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप उनसे कहीं बेहतर हैं। तो दोस्तों किस्मत का बहाना बनाना बंद कीजिए और पूरी तैयारी, मेहनत और लगन के साथ दृढ़ निश्चय से अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जुड़ जाइए। तो डियर फ्रेंड्स, किस्मत को दोष ना देकर अपनी किस्मत खुद बनाओ और अपनी किस्मत खुद लिखो। इसका एग्जाम्पल है कि दुनिया के महान वैज्ञानिक न्यूटन के जन्म से 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब न्यूटन मात्र 3 वर्ष के थे तो उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को उनकी नानी के पास छोड़ दिया। 15 वर्ष की अवस्था में न्यूटन के सौतेले पिता की भी मृत्यु हो गई और 19 वर्ष की अवस्था में न्यूटन को एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन बहुत जल्दी ही वह लड़की उन्हें छोड़कर चली गई और इसके बाद न्यूटन ने कभी शादी नहीं की। अब आप समझ सकते हैं कि जन्म से ही मुसीबतों और समस्याओं का सामना करने वाले न्यूटन ने कभी भी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया, बल्कि उन विषमताओं से उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया और गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया और एक महान वैज्ञानिक बने। दोस्तों पांचवा और एक मज़ेदार बहाना है कि मेरे पास समय नहीं है। यह बहाना हम अक्सर लोगों से सुनते हैं और देखो लोग कितने मज़ेदार तरीके से इस बहाने को बनाते हैं। दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि वही व्यस्त है जो अस्त व्यस्त है। दोस्तों अगर कोई अपनी ज़िंदगी को सिस्टमेटिक तरीके से जी रहा है तो उसके पास समय का कभी भी अभाव नहीं हो सकता। दोस्तों अमीर हो या गरीब, सभी को 24 घंटे ही मिले। अधिकतर असफल और गरीब लोग बहाना बनाते हैं कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर मेरे पास समय नहीं है। मैं सफल तो होना चाहता हूँ, किसी एग्ज़ाम की तैयारी तो करना चाहता हूँ, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी लाना चाहता हूँ और अपना बिजनेस करना या बढ़ाना भी चाहता हूँ, लेकिन कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। यानी कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए इनके पास टाइम ही नहीं है। दोस्तों यह कितना बड़ा मजाक है। दोस्तों मेरे, आपके, मुकेश अंबानी के, बिल गेट्स, बिड़ला, रतन टाटा, सभी के पास बराबर समय है। बस सफल और असफल लोगों के बीच में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वे अपने समय का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, वे अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं। उड़न सिंह के नाम से मशहूर धावक मिल्खा सिंह को जब अपनी तैयारी के लिए दिन में पर्याप्त समय नहीं मिलता था तो वो रात को अपनी तैयारी करते थे। जब सब लोग सो रहे थे तब वो रात रात भर दौड़ते रहते थे। छठा बहाना है दोस्तों, मेरे पास पैसा नहीं है। वैसे दोस्तों यह थोड़ा सा जेन्युइन बहाना लगता है क्योंकि पैसे की कमी ज़्यादातर लोगों के पास होती है, लेकिन फिर भी ये बहाना ही है क्योंकि पैसे की कमी कभी भी आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपके इरादे मजबूत हैं, अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, भविष्य की योजनाएं बिल्कुल साफ हैं तो बस शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज़ आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, सभी व्यवस्थाएं अपने आप बनती चली जाएंगी। इसका पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के पास एक समय अपने जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के जुनून ने उनकी पैसे की कमी को कभी उनके आड़े नहीं आने दिया। इसका दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, जब नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की शुरुआत की थी तब उनके पास भी धन नहीं था, उन्हें अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े थे और आज इन्फोसिस आईटी के क्षेत्र में एक टॉप पर है। तो यह कहना गलत है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपके अंदर किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय है तो वो काम अपने आप होता चला जाता है। दोस्तों बहाना नंबर 7, उम्र का बहाना बनाना। अधिकतर लोग या तो बहाना बनाते हैं मेरी उम्र अभी कम है या बहुत ज़्यादा है। दोस्तों उम्र का बहाना बनाने वाले भी बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, या अभी मेरी उम्र इस काम को करने के लिए बहुत कम है, या मैं अभी इस काम को नहीं कर सकता, या कुछ लोग कहेंगे यार मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, अब मैं यह काम नहीं कर सकता। अगर आपने कोई सपना देख लिया और आप रियली उस सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो फिर उम्र का बहाना क्यों? आप सही तैयारियों के साथ अपने सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत कर दीजिए। उम्र कभी भी आपके सपने पूरे करने से या आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। बस अपने काम को करने के तरीके को और अपने सोचने के नज़रिए को पॉजिटिव रखिए। दोस्तों इसका पहला एग्जाम्पल है, बंगलुरु में रहने वाले सुहास गोपीनाथ ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही आईटी कंपनी ग्लोबल INC की शुरुआत कर दी थी और दुनिया के सबसे कम उम्र के CEO बने थे। आज उनकी उम्र 29 साल है और उनकी कंपनी एक $multi-million कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विस देती है। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है KFC।
दोस्तों KFC रेस्टोरेंट चैन के मालिक कर्नल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत 62 वर्ष की उम्र में की थी और आज KFC के 118 देशों में 18,875 आउटलेट्स। तो दोस्तों उम्र का बहाना बनाना किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए सबसे बुरी बात है। आठवां बहाना है दोस्तों, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों ये बहाना भी ज़्यादातर लोग बनाते हैं कि मुझे मेरे परिवार या दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता है। कोई कहता है कि इस काम को करने के लिए मेरा परिवार कभी राजी नहीं होगा या मेरे पिता नहीं मानेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपकी सोच है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। दोस्तों अगर आपके सपनों में वाकई जान है, दोस्तों अगर आपका सपना या लक्ष्य ऐसा है कि आप उसे पूरा कर सकते हैं और उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और वो लोगों की भलाई के लिए है, तो बिल्कुल भी देर मत करिए। अपने परिवार वालों से, दोस्तों से अपने सपने के बारे में बताएं, अपनी तैयारियों के बारे में बताएं और अपनी योजनाओं के बारे में बताएं, और अपने सपनों को पूरा करके आप कितना खुश होंगे उस खुशी के बारे में बताएं, अपने सपनों को पूरा करके आप किस बुलंदी पर होंगे उसके बारे में बताएं। यकीन मानिए आपका परिवार, आपके दोस्त आपकी खुशी चाहते हैं, आपकी तरक्की चाहते हैं, वे आपकी बात ज़रूर मानेंगे और आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगर फिर भी ऐसा होता है कि आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं करता है और आपको लगता है कि आप सही हैं, तो आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं और अकेले दम पर अपने सपनों को पूरा करके सबको दिखा दें कि आप सही थे। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है कि फुटवियर बनाने वाली कंपनी लिबर्टी की शुरुआत एक दुकान से हुई थी। जब PD गुप्ता और DP गुप्ता ने अपने हाथों से जूते बनाने शुरू किए थे तो घर वालों ने काफ़ी विरोध किया था कि वो उच्च जाति का होकर जूते बनाने का काम करते हैं, लेकिन दोनों भाइयों ने अपने घर वालों को अपने सपने के बारे में बताया और उन्हें मना लिया और आज लिबर्टी दुनिया भर में एक जाना पहचाना ब्रांड है जिनमें लगभग 19,000 कर्मचारी काम करते हैं। दुनिया भर में लिबर्टी के 407 आउटलेट्स हैं और आज वह 400 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। नवा बहाना है दोस्तों जो हम अक्सर बनाते हैं, काम को कल पर टालना। इस बहाने को ज़्यादातर सभी लोग बनाते हैं कि काम को कल या किसी और दिन कर लेंगे। इससे होता यह है कि आपका काम या तो शुरू ही नहीं हो पाता और अगर शुरू हो भी जाता है तो टालने की वजह से आप आदत के कारण कभी पूरा नहीं कर पाते। तो दोस्तों जो लोग काम को कल पर टाल देते हैं वे उसे कल भी पूरा नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों चाहे काम छोटा हो या बड़ा, काम को कभी भी कल पर मत टालिए। क्या पता कल कुछ और नए काम आ जाएं जिससे आप उस काम को कल कर ही ना पाएं या कल परिस्थितियां बदल जाएं। दसवां और सबसे बेकार बहाना है दोस्तों कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम में से ज़्यादातर लोग इसी डर की वजह से काम नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कहीं लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, अगर मैं फेल हो गया या असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस डर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि कोई आपके बारे में सोच तक नहीं रहा है। इसलिए अगर एक दो बार फेल हो भी जाओ तो निराश ना हो, क्योंकि लोग भी आपके जैसे ही आम इंसान हैं, आप उनसे बेहतर हैं क्योंकि आपने कम से कम कार्य शुरू करने की हिम्मत तो दिखाई। तो दोस्तों आप जो करना चाहते हैं वो कर डालिए, क्योंकि दोस्तों अगर लोगों के चक्कर में रहोगे तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। इसलिए लोगों की नहीं अपनी सुनिए, अपने दिल की सुनिए और जो करना चाहते हैं उसे आज ही शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये कुछ बहाने हैं जो लोग अक्सर बनाते हैं और जिसकी वजह से वे अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं। मैंने बहानों और उन्हें दूर करने के कुछ उपाय उदाहरण के साथ बताए हैं और अपनी पूरी कोशिश की है कि यह आपके लिए लाभदायक हो। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो या आपका कोई सपना हो, तो दोस्तों उस काम को शुरू करने से पहले, शुरू करने के बाद में कभी भी बहाने ना बनाएं, बल्कि उस काम से अपने सपने से संबंधित संपूर्ण जानकारी जुटाएं और अपने भविष्य की योजनाएं बनाएं और अपने आप पूरी लगन, मेहनत, दृढ़ विश्वास के साथ पॉजिटिव होकर अपने कार्य की शुरुआत करें और तब तक लगे रहें जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें और अपने सपने को हकीकत में ना बदलें। क्योंकि दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारी इस वीडियो से कुछ सीख अवश्य मिली होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैंने जो बताने की कोशिश की वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझाने के बाद भी आपको समझ में ना आया हो तो मेरे ज़्यादा समझाने का फ़ायदा नहीं। अंत में दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।